जैसे हम बात करते हैं एक टॉपिक दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो कोई फंक्शन मेरा एफ एक्स, इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। सो देखो कोई भी फंक्शन होगा वो कोई ना कोई कर्व, कोई ना कोई ग्राफ जरूर रिप्रेजेंट करेगा, कुछ ना कुछ जरूर डिस्क्राइब करेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एफ एक्स है और ये एक फंक्शन है जो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फंक्शन के ऊपर यू कैन सी ये जो है मेरे पास ये एक ये पॉइंट है जहाँ पे मैंने एफ पी लिखा है और दैट इज डिनोटेड बाय पी पॉइंट। नाउ यू कैन सी दैट जो एफ पी है ना, एफ पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, और आई कैन से दैट एफ एक्स। सो एफ पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड पी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एक्चुअली ऐसा है क्यों? क्योंकि जो पी इस कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट मैंने लिया वो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो पी पे डिफाइन हो रही है। तो इट मींस अगर मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो जो एफ पी है ना वो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा किससे? एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी फॉर ऑल एक्स, यानी कि आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इस एफ एक्स में, वो जो पी पॉइंट है वो हमेशा उस पूरे के पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू डिफाइन करने वाला है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि जो पी पॉइंट है ये तो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ पी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ओके, सिंपली अगर मैं ये लिखूँ एक और कर्व से, अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूँ डियर, तो हम ये लिख सकते हैं इस बार मेरा पी पॉइंट ये है और जो एफ पी पॉइंट है वो है मेरा ये वाला। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ पी है ये हमेशा मिनिमम होगा किससे? एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स। ओके, ऑलवेज दैट विल बी मिनिमम। सो इट मीन्स आई कैन से दैट सो एफ पी क्या करने वाला है? एफ पी इज मिनिमम वैल्यू है किसकी? एफ एक्स की। और पी क्या है? पी इज पॉइंट है किसका? मिनिमा का। ओके, सो एफ पी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड द पी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अब देखो ये है मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हमने मैक्सिमा बोल दिया और इसको हमने मिनिमा बोल दिया, दैट इज मैक्सिमा एंड दैट इज मिनिमा। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है। और अब हमने दो तीन वर्ड और सुन रखे हैं जिसमें हम बोलते हैं कि फंक्शंस मैक्सिमा, फंक्शंस मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब पहले मैं ना उनको थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या, उसके बाद हम इसकी मेथोडोलॉजी की बात करेंगे कि इनको हमें निकालना कैसे होता है, हमें सॉल्व कैसे करना है। अब देखो डियर, अब मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, सो अब मान लीजिए जो ये मेरे पास फंक्शन है ना इसको मैंने एफ एक्स का नाम दिया है। आई विल यू कैन सी देर इज अ पॉइंट दैट इज ए पॉइंट। ओके, इस ए पॉइंट से मैंने एक इंटरवल डिफाइन किया जिसको मैंने बोल दिया ए माइनस एप्साइलन और इसको बोल दिया मैंने ए प्लस एप्साइलन। तो यू कैन सी ए माइनस एप्साइलन तो यहीं कहीं पॉइंट आएगा और ए प्लस एप्साइलन जो है ना यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को मैंने इधर से ये मेरे पास
fp यानी कि जो वैल्यू है ना वाई एक्सिस मान सकते हैं, या हम फंक्शन मान सकते हैं, ये आपका x है तो ये आपका f है, ठीक है, ये उसका डोमेन है और ये उसकी रेंज है फंक्शन की। तो देखो डियर, अब मैं क्या शो कर रहा हूँ आपको कि जो आपका एफ ए है ना वो हमेशा बड़ा रहने वाला है, एफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एफ एक्स। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, यानी कि जब इस इंटरवल की बात होगी तो आपका जो एफ ऑफ ए है ना ये वाली वैल्यू वो हमेशा बड़ी रहने वाली है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू? ओके, तो आप ये बोलोगे कि एफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू इन पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है तो जो ए है ना वो क्या है, वो पॉइंट है मैक्सिमा का, और वो भी इस इंटरवल में। तो इट मींस मैं यहां पे इस पूरी डेफिनेशन से एक बात क्लियर करता हूं कि जो आपके पास ए है ना, ए जो पॉइंट है वो आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो यू आर गेटिंग अ पॉइंट, लोकल मैक्सिमा का मतलब सिंपली इतनी बात से कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल आ जाएगा, अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो वहां से हम लोकल मैक्सिमा निकाल सकते हैं। यानी कि मैं इस पूरे फंक्शन के मोर देन वन मैक्सिमा एर मिनिमा फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, तो ये भी एक आप लाइन को जरूर लिख लीजिए, अ फंक्शन हैविंग मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, अ फंक्शन हैविंग मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ओके, तो इस मीन्स ये मेरे पास लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आया ए। अब आप इसी फंक्शन में ना एक पॉइंट और देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं जिसको मैंने बी नाम दे दिया, और आई विल सी कि इस बी पॉइंट पे एफ बी वैल्यू आएगी। ओके, अब मैं ये क्या लिखूंगा कि एफ बी पे ना ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है किसकी, एफ एक्स की, फॉर ऑल एक्स। यहां देखा मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल एक्स, पूरे एक्स के लिए ये जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ओके, तो इट मींस इस केस में आप ये बोलने वाले हो कि जो बी इज जो पॉइंट है ना वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट है। ओके, सो कंसेप्ट को समझिए कि मैक्सिमा मिनिमा सिंपल किसी पॉइंट की सबसे बड़ी वैल्यू या किसी पॉइंट फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा उस फंक्शन की पूरी आर पे या पूरा जो भी इंटरवल आपको गिवन होगा उस पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आने वाली, उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के, इसको मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करने के ना दो मेथड हैं, मैं आपको जिसमें से हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड के नाम से जानते हैं गाइस, और मैं आपको सिंपली एक ही मेथड बता रहा हूँ जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से इजिली हम हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाते हैं। तो फॉर द सोल्यूशन टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो देर आर टू मैथड, एक को फर्स्ट मैथड बोलते हैं और एक को सेकेंड मैथड बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मैथड है और दूसरा आपका सेकेंड डेरिवेटिव मैथड है। तो हम सेकेंड मैथड को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव मैथड। ओके, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव मैथड में हम क्या किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, विल पिक अप वन क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, और वो क्वेश्चन मैंने लिखा गाइस
3x raised to power 4 that a function is equal to 3x raised to power 4 plus 4x cube plus 4x cube minus 12x square minus 12x square and plus 12. ये सिंपली एक फंक्शन है. अब बड़े दो तीन वर्ड्स में आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या एक्चुअली. अब देखिए जो आपको फंक्शन गिवन है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस फंक्शन का गाइस डेरिवेटिव निकाल लीजिए. यू आर गेटिंग 12x क्यूब देन 12x स्क्वायर माइनस 24x. उसके बाद जो आपका डेरिवेटिव आया है उसको जीरो रख दीजिए. तो यू आर गेटिंग व्हाट, x कॉमन ले रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. ओके सिंपली अगर आप इसको सॉरी माइनस के 2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. अब ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आई है तो इससे आपको रिजल्ट क्या मिल जाते हैं कि x की वैल्यू मिल गई आपको एक तो जीरो. ओके और सिंपली आपको x की वैल्यू मिल गई है, मैं यहां से डायरेक्टली आई विल राइट आउट 2 एंड माइनस 1, 2 कोमा माइनस 1. ये मेरे पास तीन वैल्यूज आई हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज. ओके यानी कि ये एक्सट्रीम पॉइंट हैं जिनके ऊपर फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा. ओके अब देखो, अब आप क्या कीजिए, आप एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए जल्दी से. इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो आई एम गेटिंग 36 एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 24 एक्स एंड देन माइनस 24. ओके नाउ सी, अब आपको सिंपली चेक करना है इन सभी पर्टिकुलर पॉइंट पे. पहले आप लिखिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक कीजिए, किसको, एफ डैश एफ डबल डैश एक्स को. तो जब आप इसको जीरो पे चेक कर रहे हो गाइज, आपके पास वैल्यू बच रही है माइनस 24 जो कि क्या है, लेस देन जीरो. अगर ये लेस देन जीरो आ जाए आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा. कैटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली अगर मैं x को चेक कर रहा हूं किस पे, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 2 पे चेक कर रहे हो, तो 2 पे डियर ये आपको वैल्यू देने वाला है, सॉरी 2 एंड हैविंग आई हैव अ रिजल्ट ऑफ 2 एंड माइनस 1. सो इट विल गिव्स यू द रिजल्ट दैट इज ग्रेटर देन 0. इट विल गिव्स यू मिनिमा सिंपली. ओके अगर किसी पॉइंट पे, तो इट मींस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है. सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, उससे आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी. उन एक्स की वैल्यूज को आप डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिए. अगर आपका डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा रहेगा तो आपके पास मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, अगर जीरो से बड़ा रहेगा तो आपके पास मिनिमा का पॉइंट आएगा, और बाय चांस अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो आप कहते हो कि ना तो वो मैक्सिमा है और ना ही वो मिनिमा का पॉइंट है. ओके उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोल देते हैं, ना ही मैक्सिमा आएगा ना ही उस पॉइंट पे मिनिमा आएगा. अब बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू की डियर, या मिनिमम वैल्यू की. तो जिस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमा आया ना, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास मैक्सिमा आया है, तो आप इस फंक्शन में जब जीरो पुट करोगे तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा. ओके सो इसके ऊपर कुछ और डीप क्वेश्चन हम करेंगे. ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था सिंपली, मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या है, व्हाट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके और आपको सेकंड डेरिवेटिव मेथड मैंने बिल्कुल हमने बेसिक सा कंसेप्ट किया है. इसके बाद वी विल ट्राई कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम मैक्सिमम मिनिमा से कर सकेंगे, देन वी विल ट्राई टू डू. ओके थैंक यू.